दो। लौकी कुछ बनाने के लिए मैंने गोश्त पतीली में डाल दिया है, अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। अच्छा जी, मैंने इसमें 4 ग्लास ये वाले जो है पानी के डाले हैं, क्योंकि हमारा हड्डी वाला गोश्त तो जल्दी गल जाएगा, तो 4 ग्लास मैं इसमें पानी के डाल दूंगी। किसी भी लाल मिर्च के मैंने ये 2.5 चम्मच डाले हैं, 2 भर के, और तीसरा जो है आधा डाला है, तो 2.5 चम्मच मैंने किसी भी लाल मिर्च निकाली है। हल्दी का 1 चम्मच लिया है और नमक मैं इसमें हसबे जायका डालूंगी। मसाला जो है इसमें डाल दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 1 चम्मच डाल दूंगी और 1 अदद में ये प्याज छील के और काट के इसमें डाल दूंगी। 1 अदद ये प्याज जाएगी इसमें, छोटी है ये। 3 चम्मच में ये वाले भर के डाल दूंगी इसमें। इसको ढक देंगे ताकि हमारा गोश्त गल जाए तकरीबन 25 से 30 मिनट में। 1.5 पाव मैंने ये लौकी ली है, अब मैं इसको छील के काट लूंगी। ये देख लें, ये 2 प्याज मैंने ले ली है, इनको भी मैं छील के काट लूंगी और जब मैं लौकी डालूंगी तो क्या कहते हैं प्याज भी साथ डाल। देखें हमारा गोश्त पक रहा है और थोड़ी देर में भून जाएगा। गोश्त दो बार भून चुका है, इसमें मैं ये लौकी डाल दूँगी। 4 ग्लास में इसमें ये पानी के डाल दूँगी ताकि अच्छे से गल जाए लौकी और गोश्त मिक्स हो के। इसमें पानी डाल चुके हैं, अब मैं इसमें जो मैंने ये प्याज काटी थी दोबारा ये भी डाल दूँगी साथ में। पानी भी डाल दिया है और प्याज भी हमने डाल दी है, अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसको ढक देंगे। ये देखें हमारी लौकी गल गई है, अब हम इसको इतना पकाएंगे कि और गल जाए और घुट जाए, बिल्कुल घुटा हुआ बना रहे हैं लौकी को। हरी मिर्ची डाल देंगे, 4 से 5 अदद काटी थी मैंने, और धनिया डाल देंगे। चूल्हे की आँच हम स्लो कर देंगे, स्लो करेंगे और इसको हम जो है ढक कर रख देंगे हल्की आंच पे। ये हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा लौकी कुछ तैयार हो गया है। ये गुटावा कहलाता है लौकी को, सीधे वाला नहीं, खुश्क वाला बनाते हैं, गुटावा लौकी को होता है ये। लौकी गोश्त हमारा तैयार हो गया है। कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अल्लाह हाफ़िज़।